students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So today we are going to learn about force and pressure. So today we are going to learn about force. So हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं पूरे दिन में, जैसे कि किसी चीज़ को पुल करते हैं, किसी चीज़ को पुश करते हैं, किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं. तो इन सारी चीज़ों में हमें लगता है फोर्स. तो इन ऑर्डर टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर आप उसे मूव करोगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? फोर्स चाहिएगा. आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो मूव करेगा. तो फोर्स क्या क्या चीज़ें कर सकता है? फोर्स जो है, फोर्स किसी भी चीज़ को रोक सकता है, किसी चीज़ के शेप को डिफॉर्म कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है ज़्यादा किसी चीज़ पर फोर्स लगाओ. सो लेट अस सी व्हाट इज़ फोर्स. फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम? अब हम किसी चीज़ पे एक पुश या पुल का कोई अप्लाई करते हैं, या किसी चीज़ को पोजीशन चेंज करने के लिए, या किसी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए हम जो एफर्ट लगाते हैं ना, वो होता है फोर्स. सो फोर्स इज़ अ पुश और पुल विच कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट और स्टॉप द मोशन. फोर्स क्या है? फोर्स को अगर हम परफेक्ट वर्ड्स में डिफाइन करना चाहें तो फोर्स एक पुश या पुल है जो कि यूज़ किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको मोशन में लाने के लिए, या जो ऑब्जेक्ट मोशन में उसे रेस्ट में लाने के लिए, या तो किसी चीज़ को डिफॉर्म करने के लिए. नाउ अंटिल एंड अनलेस सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज ट्राइज टू बी इन रेस्ट. तो एक ऑब्जेक्ट क्या चाहता है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते. तो यहाँ पे एक और चीज़ हम सीखेंगे, दैट इज़ इनर्शिया. तो इनर्शिया क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट जिस मोशन में है उसी मोशन में रहना चाहता है. द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट ट्राई टू अपोज द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. तो ऑब्जेक्ट नहीं चाहता कि वो मूव करे, तो वो क्या है? इनर्शिया है. अब जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो नहीं चाहता है कि वो रुके, तो वो है इनर्शिया ऑफ मोशन. बट ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे है वो क्या चाहेगा? कि वो रेस्ट पे ही रहे जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा. तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है? कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा. जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट किसी स्पीड में है या किसी मोशन में है, तो वो ऑब्जेक्ट उसी मोशन में, उसी स्पीड में रहना चाहता है जब तक कि उसको कोई स्टॉप नहीं करेगा. दैट इज़ इनर्शिया ऑफ मोशन. तो इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है कि ऑब्जेक्ट को मोशन में रहना है. नाउ फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. तो फोर्स क्या है? फोर्स सिंपली एक इंटरेक्शन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट के बीच का एक इंटरेक्शन. जब तक हम किसी चीज़ को पुल या पुश नहीं करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी, या हम किसी चीज़ पे एफर्ट नहीं डालते हैं तो वो काम जो है वो नहीं होने वाला है. तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जब कार डोर आप ओपन कर रहे हो ना, कार डोर जब आप ओपन करते हो तो आप क्या करते हो? पुश करते हो या पुल करते हो? हाँ, आप उसे पुल कर रहे हो अपनी तरफ, है ना. तो जब आप उसे पुल कर रहे हो अपनी तरफ तो आप किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो? आप अपने हैंड्स का यूज़ कर रहे हो, हैंड से आप उसको पुल कर रहे हो. तो आप अपना कौन सा फोर्स यूज़ कर रहे हो? आप अपना मस्कुलर फोर्स यूज़ कर रहे हो, अपने मसल्स, अपने हैंड्स को यूज़ कर रहे हो. तो जब तक आप अपने हैंड से उसे टच नहीं करते, उसे इंटरेक्ट नहीं करते, तो वो नहीं हिलेगा. तो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है आपके हैंड्स का, हो रहा है किसके साथ? कार डोर के साथ हो रहा है. यहाँ पे आप ये देखिए, टू गर्ल्स जो डांस कर रही है, ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रही है ना. तो यहाँ पे भी ये एक दूसरे से इंटरेक्शन हो रहा है इनका. देन हु इज़ अप्लाइंग फोर्स ऑन हियर? यहाँ पे जब लेमन स्क्वीज कर रहे हो तो आपका जो पाम है उससे आप यूज़ कर रहे हो उस लेमन को स्क्वीज करने के लिए. नाउ अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, या किसी भी टाइप का फोर्स लगाने के लिए, वहाँ पे टू ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है. ऐसा होता ही है. द अदर ऑब्जेक्ट, द वन ऑब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड. तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा उस पर फोर्स अप्लाई होगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, एक ऑब्जेक्ट ऐसा होगा कि जो फोर्स अप्लाई करेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपके हैंड जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डोर को क्लोज करने के लिए. अब डोर दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि क्लोज हो रहा है, जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है. ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है. सो वी कैन से दैट द फोर्स इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.